व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उदयर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे कि अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, मेल में देखेंगे और फीमेल में भी देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि मेल में अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एचआईवी क्या होते हैं। आपको मालूम है एचआईवी ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। लेकिन एचआईवी की बाधा कैसे होती है? जब कोई एक्सपोज होता है और सामने वाला पार्टनर अगर एचआईवी पॉजिटिव होता है तो वो उनका संबंध आने से एचआईवी हो सकता है, क्योंकि अपने जो सोसाइटी में FSWM फीमेल सेक्स वर्कर्स है, MSM है, वो जो उनको पॉजिटिव है, लेकिन जब वो अपना प्रोफेशन मानते हैं वो कभी सामने वाले पार्टनर्स को बताते नहीं कि वो पॉजिटिव है, और इससे ये सब सिलसिला चालू होता है। तो जब आपके पास कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री हो तो कौन से लक्षण आपको दिखते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले एक्सपोजर के बाद 14 दिन के बाद अगर आपको सर में दर्द होगा, गिडीनेस होगा, दूसरा अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होंगे, घड़ी घड़ी हो जाएंगे, मीन्स फ्लू जैसे सिम्टम्स होंगे कि नजला होगा, सर्दी खांसी, थ्रोट में अगर पेन होगा इधर, तो भी वो हो सकता है। ये अर्ली साइंस है। और आपको अचानक थकान सी महसूस होती है, क्योंकि आपको मालूम है एचआईवी जो वायरस है एचआईवी के, वो अपने इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं, तो ये थकान से महसूस होती है। अपने जो मसल्स है उसमें भी क्रैम्प्स आते हैं और एक जड़ सी महसूस होती है, और चलने में भी थोड़ी तकलीफ होती है, जॉइंट्स में पेन्स होते हैं, पैर पे सूजन होती है। ये धीरे धीरे, ये पहले 1 महीने में होता है, और 1 महीने के बाद क्या होता है कि थ्रोट कंजेशन ज़्यादा होता है और थोड़ा थोड़ा बुखार आना चालू होता है, और वो बुखार जाता ही नहीं, और हम मामूली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो थोड़ा बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है। और 2-3 महीने के बाद क्या होता है कि डायरिया, डिसेंट्री यानी पेट संबंधी जो रोग है वो होना चालू हो जाते हैं, और 5-6 महीने के बाद अपना वजन भी कम हो जाता है, और खांसी ज़्यादा आती है और बलगम भरी भी होती है, और उसमें टीबी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। और ये अगर सब है आपके पास तो आप जरूर एक डॉक्टर के पास जाए, लेकिन वो डॉक्टर कौन से होने चाहिए, वो एचआईवी एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर एक्सपोजर का हिस्ट्री है तो आप जरूर जाइए और अपने सब टेस्ट कीजिए। और दूसरे फीमेल में, उनके फीमेल के भी जो सिम्टम्स और साइंस होते हैं वो वैसे ही होते हैं, मीन सर दर्द होता है, गले में खराश होती है, बाद में गले में एक कोटिंग होता है जो कैंडिडियासिस बोलते हैं वो होता है, वजन कम होता है, लेकिन फीमेल में ज़्यादा करके पीरियड्स पे वो ज़्यादा असर होता है, और पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, और कभी कभी बीच में भी ब्लीडिंग्स उनका चालू हो जाता है, और अचानक थोड़ा ही काम करने के बाद उनको भी थकान महसूस होती है, और इतनी थकान होती है कि उसका कितना भी मल्टीविटामिन्स ले वो उनकी थकान जाती नहीं, और बाद में उनके भी मसल्स में पेन होता है, वजन कम होता है, फीवर होता है, और वो फीवर भी मामूली गोली से थोड़ा ये होता है, फिर वो चालू रहता है फीवर, और बाद में उनका भी टीबी की बीमारी हो सकती है, और उनके जो लिम्फ नोड्स है ये मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, लिम्फ नोड्स में सूजन आती है, हाथ और पैर के भी सूजन आती है, और उनको जो डायरिया जो है वो भी सीवियर रहता है, और ये डायरिया मामूली दवा से अच्छा नहीं होता है। तो जो मेडिकल स्टूडेंट ये देख रहे हैं उन्होंने ये माइंड में रखना चाहिए, अगर क्रॉनिक डायरिया से पेशेंट प्रेजेंट होता है या क्रॉनिक फीवर से होता है तो एक एचआईवी का टेस्ट जरूर कीजिए, और ये उन्होंने सब जगह जाके डॉक्टर को ये दिखाना चाहिए। और अगर उन्होंने ये सब सिम्टम्स और साइंस
जल्दी से एचआईवी एक्सपर्ट को दिखाए तो शायद उनका इलाज भी हो सकता है जल्दी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो पॉजिटिव आए तो उनका इलाज हो सकता है। और कभी भी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो झूठा मत बोलिए, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपोजर का हिस्ट्री है तो जरूर आप वो बताइए। और ये ध्यान में रखिए कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं, और हमेशा अगर आपको टीबी हुआ तो हम टीबी के पेशेंट का एचआईवी टेस्ट करते हैं, और एचआईवी पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो उनका टीबी का हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि दोनों में ही इंटरकनेक्शन है और वो जो इम्यूनिटी है वो दोनों में ही कम हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने के लिए मेडिकल स्टूडेंट के लिए कि ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और एक क्रॉनिक डायरिया के अगर पेशेंट आएगी तो ज़रूर एचआईवी टेस्ट कीजिए। व्यूअर्स, मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये आपको अच्छा लगा तो ये शेयर कीजिए। ये जो नॉर्मली बेसिक नॉलेज है ये सबको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास आएगा। धन्यवाद।